गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तभी मॉर्निंग का 10 बज रहा है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो देखिए, मैं ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ आज, क्योंकि आज देवी का कलर ब्लू है उनकी साड़ी का कलर, तो इसलिए आज ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ मैं आज। और आज अष्टमी है, तो अष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अष्टमी, आज मैं उपवास रखी हूँ, जो कि मैं फलहारी करती हूँ। बहुत लोग तो निर्जला करते हैं, लेकिन मैं निर्जला नहीं करती, मैं फलहारी करती हूँ अष्टमी। तो अब कल ही मैं बाल धोई थी, और देख रहे आप लोग, सिंदूर नहीं लगाई हूँ, बिंदी नहीं लगाई हूँ, ये कान का पहनी हूँ मैं। तो सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी आज अष्टमी, आज उपवास है। तो मैं अभी आज वहाँ पर देवी का पूजा करूँगी, घर में ही करूँगी। ऐसे गाँव में तो लोग जाते हैं मंदिर में, या बाहर जहाँ दुर्गा जी का पूजा होता वहाँ जाते हैं, लेकिन मैं घर में ही करने वाली हूँ। और वहाँ पूजा करके, और उनका खोइचा खोइचा वगैरह ये करके, और उसके बाद खोइच भरना होता है ब्लाउज पीस वगैरह पे, तो वो सब करके, और उसके बाद वहीं पे सिंदूर और यहाँ पे टीका लगाऊंगी। तो इसलिए आप लोगों को सोना सोना दिख रहा होगा। और जब देवी को सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके बाद वहीं से उठा के लगाते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ भी, मैं पहले भगवान का पूजा कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, हमारे यहाँ पे माता रानी है, और ये फूल ऊपर लटकाया हुआ था, लेकिन ये गिर चुका है। ये मतलब चिकन पट्टी से चिटकाई थी ना, इसकी वजह से गिर गया है। और मैं अभी निकालती हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे खोइच भरने के लिए सामान लाई हूँ मैं, ब्लाउज पीस और ये सब। ये मेरा ब्लाउज पीस है, और इस पे मेकअप के सामान रखते हैं, और सब यूज करते हैं, खुद यूज करते हैं। कोई साड़ी पे भी भरता है, कोई ब्लाउज पीस पे भी भरता है, जिसको जैसा होता है वैसा भरता है। ये ब्लाउज भी सिलवा के बाद में मैं ही पहनने वाली हूँ। ये सब मेरा मेकअप का सामान है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं अभी ब्लाउज, यहाँ पे मैं ब्लाउज पीस अभी रख रही हूँ, और खोइच भरने के लिए। तो अभी इस पे मैं चावल रखूँगी, 7 जगह चावल रखना है, 7 देवी होती है ना, इसके लिए 7 जगह चावल रख रही हूँ अभी। और ये सब मैं बार बार भूल जाती हूँ, जब मुझे करना होता है तो मैं मम्मी से या सासू माँ से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कैसे करना है, तो वो सब बताती है, वैसे वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं अभी बार बार ऐसे। तो अभी मैं मम्मी से पूछी थी कल कि कैसे कैसे करना है, तो ऐसे ऐसे मम्मी बताई थी मुझे, वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और बहुत लोग साड़ी पे भी भरते हैं, मैं भी कभी कभी भर देती हूँ, लेकिन इस बार ब्लाउज पीस ही लाई हूँ। और बाहर ऐसे गांव में तो पूजा होता है, तो दुर्गा जी बनते हैं, पंडाल में होते हैं, तो वहाँ पे लोग जाके ऐसे खोइच भरते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाहर पंडाल बनाना ही है कोरोना के लेके, अभी तो सब बंद ही है, तो मैं बाहर नहीं, घर में ही भरती हूँ, क्योंकि सब जगह तो भगवान भगवान ही है। और यहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ, ऐसे ही 7 जगह मैं देवी के नाम से चावल रखी थी, उसी 7 जगह मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ। उसके बाद ये बिंदी, और अभी जो आप लोगों को मैं दिखाई थी, जो मेकअप का सामान लाई थी, उसमें मैं आप लोगों को चूड़ी दिखाना भूल गई थी, तो चूड़ी रखी हूँ, बिंदी रखी हूँ, हेयर क्लिप लाई थी, और मेहंदी लाई थी। जो भी सामान मैं यहाँ रख रही हूँ, भगवान के पाए में लगा के, पैर पे चढ़ा के, और उसके बाद मैं सबको यूज करने वाली हूँ, यूज किया जाता है वो, तो आशीर्वाद की तरह होता है वो। तो अभी ये सब रख के मैं यहाँ पर और पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद उतर चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी, प्रसाद ले लीजिए, खा लीजिए। तो लो विशाल प्रसाद लो। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने का, क्योंकि 11 बज गया मुझे पूजा करते करते, तभी पहले चाय बना के पीती हूँ, बाद बाकी काम आगे देखती हूँ, फिर आप लोगों से मैं थोड़ा बात भी करूँगी। तो अभी मेरा पूजा पाठ हो गया है, और मैं चाय बना के पी ली हूँ, तो थोड़ा सा अभी नेल पेंट लगाना है,
नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि 9 10 10 डेज से तो कुछ लगाया नहीं नेल पेंट वगैरह, तभी नेल पेंट लगाऊंगी। और ये देखिए कानों की बाली किसी दिख रही है मेरी, ये आज फर्स्ट बार पहनी हूँ और बिंदी नहीं लगाई हूँ अभी, बिंदी भी लगाऊंगी, टीका था इसकी वजह से बिंदी नहीं लगाई हूँ। और मैं जा रही हूँ अभी साबुदाने की खीर बनाने। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।